समय को भरोसो को कद पलटी मारता समय को भरोसो को कद पलटी मारता समय को भरोसो को कद पलटी मारता सफेद हो गए तो अब सारा घर बार का जितना भी कारोबार है सारा कारोबार अपना राजपाठ सब श्री राम को दे देना चाहिए। तो ये शुभ बात अपने गुरु महाराज को कहे, अपने गुरु महाराज को कहे। तो वशिष्ठ जी महाराज के पास गए राजा दशरथ, कहने लगे बोले महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब मेरे सफेदी आ गई और मैं जितना भी अयोध्या का राज है तो मैं श्री राम को देना चाहता हूं। इसका आप मुहूर्त निकालिए, इसका समय क्या है। अगर वशिष्ठ जी महाराज तो सब जानते थे, गुरु महाराज थे ना, गुरु वशिष्ठ महामुनि जाने निक निक बात बतावे, गुरु वशिष्ठ महामुनि जाने निक निक बात बतावे, लिख बात बतावे, लिख बात बतावे। वो सब जानते थे वशिष्ठ मुनि, लेकिन अगर वो ये कह दे कि नहीं राम को राज तिलक नहीं होगा, वनवास में जाएगा, तो राजा उसी समय प्राण त्याग। गुरु महाराज आप ये बात कैसे कह रहे हो? गुरु महाराज सब जानते थे लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा?
बात को अपनी गोपनीयता से कह दी। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा आप क्यों आए हो? बोले महाराज उसका मुहूर्त निकालो, उसका शुभ समय क्या है। तब गुरु महाराज ने कहा जिस दिन राम का राज तिलक हो उस वो ही दिन जो है शुभ है, आप तो राजा दशरथ समय का इंतजार करो, जो समय आए जिस समय हमारा राम का राज तिलक हो वो समय अच्छा है। ये नहीं कहा कि तुम कल ही कर दो। राजा दशरथ ने कहा फिर तो कल ही कर दे। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है जो आपकी मर्जी। गुरुदेव ने कहा नहीं कहा कि हाँ खरीदो। लिख बात बतावे राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे, श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे, किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ बात।
राजा हरिचंद्र रानी तारावती रोहिदास दास कवावे रोहिदास कवर कवावे रोहिदास कवर कहावे I'm
Thank you.